आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुर्सलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। درود پاک پڑھنے کے बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमाए बज़्मे हिदायत, नौशाए बज़्मे जन्नत, पैकरे जूदो सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है। जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। मैं कुछ हदीसों का यूँ समझिए निचोड़, कुछ हदीसों का इत्र आपके सामने पेश करता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि दुरूद पाक कैसे कैसे काम आता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए एक यूं समझिए कि एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, बीइंग अ मुस्लिम, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप एक लिस्ट बनाइए कि दुनिया में आप क्या क्या चाहते हैं, मरते वक्त आप क्या चाहते हैं, कब्र में आप क्या चाहते हैं, महशर में आप क्या चाहते हैं। एक ख्याल है कि लिस्ट बनाए इंसान कि यार अगर मेरी सारी ख्वाहिशें जो दुनिया की, मरते वक्त की, आखिरत की हों तो वो क्या होंगी, वो जहन में रखिएगा। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों से एक्सट्रैक्ट करके एक खूबसूरत सा निचोड़ पेश करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक आप बीमारी से शिफा चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप रोजी में बरकत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कर्जे में हैं और कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया में इज्जत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। सुनिए, मरते वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं और जाते जाते मेरे आका अली सलातो सलाम का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कब्र में मुनकर नकीरैन के सवालात में साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। महशर के दिन नबी पाक के हाथों जामे कौसर चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। उल सिरात से खैर से गुजरना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। और जन्नत में आका के साथ जाना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। और सुनिए, मदीने जाना चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। और नबी पाक अली सलातो सलाम की ख्वाब में जियारत चाहते हैं, तब भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मुझे बताइए ना कि जितनी मैंने फजीलतें बयान की इसके अलावा और क्या चाहिए एक मुसलमान को, और क्या चाहिए? इज्जत वाली जिंदगी हो, रोजगार में बरकत हो, परेशानियां और टेंशनें ना आए, मुसीबतों से निजात मिल जाए, कलमे वाली मौत मिले, आका कयामत के दिन साथ जन्नत में ले जाए। व्हाट एवर आई नीड इन दिस दुनिया एंड हेयर आफ्टर, यहां और वहां के लिए जो भी मेरी नीड्स हैं वो सारी तो दुरूद पाक पूरी कर रहा है। मैंने जितनी फजाइल बताए ना सब ही फजीलत के पीछे कमोबेश हदीस पाक मौजूद है, यानी नबी पाक ने सारे इनाम खुद बताए हैं फजाइल दुरूद में। तो इतना कमाल का वजीफा है, मगर बदकिस्मती यह है कि हम में से बहुत बड़ी तादाद दुरूद पाक नहीं पढ़ती है, बहुत कम पढ़ते हैं। फजूल बातें, गप शप, जनाब मोबाइल के साथ घंटों गुजर जाएंगे मगर दुरूद पाक के लिए वक्त नहीं निकालते। तो खुदारा अगर आप खुशगवार, पुरसकून, मकबूल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को ऐसा शामिल कर लें जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर नहीं छूटता, ऐसे दुरूद नहीं छूटना चाहिए। फिर आप देखें आप उसको कैसा फायदेमंद पाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। आज मैं आपको कमोबेश 2500 साल पीछे लिए चलता हूं और एक ऐसी इश्क भरी दास्तान सुनते हैं जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। बात है ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो, एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा था। यमन का जो भी बादशाह होता था उसको तुब्बा कहते थे,
और जिस बादशाह की मैं बात कर रहा हूं ये तुब्बा अव्वल था, पहला था। ये बादशाह बड़ा कमाल का बादशाह था, पूरी दुनिया का उसने सफर किया और जहां भी जाता उस जगह पर वहां के 10 उलमा को अपने लश्कर में शामिल कर लेता। और चूंकि लश्कर बहुत बड़ा था, लोग कितने थे उसके साथ, उसके लश्कर में 130,000 घुड़सवार थे और 113,000 पैदल चलने वाले, ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को लेके चलता था। और जब किसी शहर में जाता लोग बड़ी इज्जत से देखते, ताज्जुब से देखते, और वो क्या करता, हर शहर से 10 उलमा कलेक्ट करता हुआ आगे चलता रहता। एंड ऑफ द डे उसके पास 4,000 उलमा जमा हो गए उस मजहब के, उस वक्त के अहले किताब के, अपनी किताब का इल्म रखने वाले। ये घूमते 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 मक्का पाक पहुंचे। जब मक्के शरीफ पहुंचे तो मक्के वालों ने उसकी कोई आवभगत ना की, कोई उसकी जो है वो खिदमत ना की, तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे लोग हैं, ये मक्के वाले क्यों ऐसे हैं कि हमारे लश्कर का ना इस्तकबाल किया, ना हमारे हमें कोई इकराम दिया, ना कोई दावत की। तो उसके साथियों ने बताया कि मक्के में एक घर है जिस घर का ये लोग तवाफ करते हैं और इस घर की वजह से ये और किसी को इतनी घास नहीं डालते। अब इस शख्स ने सोचा बादशाह ने कि मैं इस घर को ही गिरा देता हूँ, मक्के वालों को कत्लो गारत गिरी करता हूँ, इनको तबाह करता हूँ और इस घर को ही गिरा देता हूँ। जैसे ही इसने ये सोचा हिमयरी बादशाह बीमार हो गया, इतना शदीद बीमार हो गया कि उसको उसका इलाज ही ना हो। बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े लोग आए, तो बादशाह को कहा कि मामला कुछ और लगता है, ये तुम्हारी बीमारी नहीं, कुछ और हो गया है। तो अब जो उस जमाने के समझदार लोग थे उन्होंने कहा बात यह है कि ये काबा जो है ना ये अल्लाह का घर है, जिसने भी इसको गिराने के बारे में सोचा ना उसको प्रॉब्लम ही आई है, तुम ऐसा करो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हिमयरी बादशाह ने तौबा की कि मैं इस काबे को नहीं गिराऊंगा। अब जैसे ही उसने ये नीयत की तो उसकी तबीयत ठीक होने लग गई। बहरहाल अब ये काफिला मूव हुआ और उस बस्ती में पहुंचा जिसका उस जमाने में नाम मदीना नहीं था, मगर बाद में वो आशिकों की बस्ती मदीना बन गई। हिमयरी बादशाह अपने इस अजीम और शान काफिले के साथ जब मदीने पहुंचा, उस बस्ती में पहुंचा, खजूरों वाली बस्ती में, चूंकि उसके साथ 4,000 उलमा थे, उन उलमा ने अपनी किताबों में पढ़कर बताया कि हमें आसमानी किताबें बताती हैं कि यही वो जगह है जहां नबी आखिरुज़्ज़मां हिजरत करके आएंगे, इसको अपना मस्कन बनाएंगे, ये उनकी बेअसत के बाद हिजरत की जगह है। 400 उलमा ने, आउट ऑफ 10 4,000 उलमा में उसमें 400 उलमा ने कहा हम तो यही रहेंगे, आपने जाना है तो जाएं। बादशाह था बड़ा कमाल का, अच्छा नबी आखिरुज़्ज़मां यहां आएंगे, कहता चलो मैं और हम सब एक साल इंतजार करते होंगे। एक साल सब के सब मदीने में रहे, मदीना अभी मदीना बना नहीं, नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 1,000 साल पुराना वाकया है। अब क्या हुआ, 1 ईयर उन्होंने वहां पर इंतजार किया, जब देखा कि नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ नहीं लाए तो बादशाह ने क्या किया, 400 उलमा के घर बनाए, उन 400 उलमा को सामान दिया, उनकी शादी करवाई और एक और खूबसूरत घर भी बनाया और एक लेटर लिखा। अल्लाह अकबर, जरा देखें ये उसके लिए खत लिखा जा रहा है जो अभी बज़ाहिर दुनिया में नहीं आए हैं, नबी पाक के लिए उस बादशाह ने खत क्या लिखा जिसका मजमून यह है, तुब्बा अव्वल की तरफ से नबी आखिरुज़्ज़मां की खिदमत में यह खत है, हुजूर अगर मैं आपका जमाना पाऊंगा, आपका खादिम बनूंगा, आप पर मैं अभी से ईमान लाता हूं, काश मैं आपका जमाना पाऊं, आपका खिदमतगार बनूं, हुजूर अगर मैं आपका जमाना ना पाऊं तो बरोज़े कयामत मुझे भूल ना जाइएगा। अल्लाह अकबर, ये खत उसने उन 400 उलमा में से जो सबसे बड़े आलिम दीन थे उनको दिया, कहा को जब आपका आखिरी वक्त आए आप अपनी औलाद को दे देना, उसको भी वसीयत करना, अगर वो भी नबी पाक का जमाना ना पाए तो अगले अपनी औलाद को दे देना। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये 400 उलमा वहां बस गए। आप जानते हैं ये अंसार सहाबा जो थे ना मदीना पाक में, जिन लोगों ने नबी पाक को वेलकम किया था मक्के से तकलीफ के बाद, जब सहाबा इकराम और मेरे आका ने हिजरत की थी, जिन लोगों ने मेरे आका के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, उलमा बताते हैं ये उन्हीं 400 उलमा की औलाद है, ये अंसार सहाबा वो बने। सुभान अल्लाह, ये खत एक के बाद एक के पास डाइवर्ट होता गया है। अब वो वक्त आ गया जब मदीने वालों को पता चल गया कि मक्के में नबी पाक तशरीफ ले आए हैं,
अब उन्होंने मशवरा किया उन अंसारियों ने कि ऐसा करते हैं, ये खत जो हमें तुब्बा अव्वल बादशाह ने तकरीबन 1000 साल पहले दिया था, अब किसी वफ्द को भेजते हैं जो जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये उनका खत देकर आ जाए। अब ये खत लेकर अबू लैला उस जमाने में जो शख्स था उसको भेजा गया। सुभान अल्लाह, जरा अल्फाज सुनिएगा। अबू लैला जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है। नबी पाक बनू सुलैम के कबीले में तशरीफ फरमा थे। जैसे ही अबू लैला नबी पाक के करीब पहुंचा, मेरे आका फरमाते अंता अबू लैला, तुम अबू लैला। वो हैरान हो गया कि मैंने तो अभी तारुफ ही नहीं कराया, ये कैसे हैं, कितनी कमाल की शख्सियत है कि मेरे तारुफ कराने से पहले नबी पाक ने फरमाया कि तुम अबू लैला हो। वो कहता है जी हुजूर, मैं ही अबू लैला हूं। तो नबी पाक फरमाते हैं, वह माँ का किताब तुब्बाइल अव्वल, तुम्हारे पास तुब्बा अव्वल का एक मकतूब मौजूद है जो मेरे लिए तुम्हारे पास है। अल्लाह अकबर, अबू लैला और हैरान हो गए, 1000 साल पहले वो खत लिखा गया है और नबी पाक मेरा नाम भी बता रहे हैं, उस शख्स का नाम भी बता रहे हैं। अब जब खत आ गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा की मजलिस में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला से कहा, ए अबू बकर, जरा सबको ये खत पढ़कर सुनाओ। सहाबा की मजलिस में वो खत पढ़ा गया, वो इश्क भरा खत कि हुजूर, मैं आपका गुलाम, मैं आपका जमाना पाता तो आपका खादिम बनता, मगर हुजूर मैं दुनिया में ना रहूं तो मुझे कयामत के दिन भूल कर ना जाना। अल्लाह अकबर, सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाते हैं मरहबा बिल अखिस सालेह, 3 बार फरमाया मेरे आका ने कि नेक भाई को खुश आमदेद, नेक भाई को खुश आमदेद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब अबू लैला अंसारी को मदीने वापस लौटा दिया। है मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, अब हिजरत की घड़ी आई, नबी पाक मदीने पाक में दाखिल हुए, तलअल बद्रु अलैना की सदाएं हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम का भरपूर इस्तकबाल होता है। हर सहाबी चाहता है हुजूर मेरे घर आएं, मेरे घर को शरफ अता फरमाएं, मुझे मेहमानी अपनी अता फरमाएं, मैं उनकी मेजबानी करूं। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी ऊंटनी जो है वो हुक्म वाली है, इसे मालूम है किधर जाना है। अब नबी पाक ने हुक्म दिया, ये ऊंटनी जहां रुकेगी उसी वही मेरा ठिकाना होगा। जरा तसव्वुर तो करें, जब मदीने की गली में वो कसवा नामी ऊंटनी चली होगी, हर सहाबी सोचता होगा काश मेरे घर के बाहर, काश ये सादत मुझे मिल जाए। वो ऊंटनी घूमते घूमते अब कहां रुकती है, सुभान अल्लाह, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर रुकती है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये तो आपने सुना था कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल बने, मगर आओ मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं। ये वही सहाबी हैं जो उसी आलिम दीन की औलाद से थे जिनको नबी पाक का घर तोहफे में दिया गया था कि ये वाला जो मकान है ना, तुब्बा अव्वल ने कहा था ये मेरे आका के लिए है, ये उन्हें पेश करना। सुभान अल्लाह, तो पता ये चला कि नबी पाक सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के मकान में नहीं, अपने ही मकान में जलवा फरमा थे। ये मकान खुद नबी पाक को गिफ्ट हुआ था। अबू अय्यूब अंसारी जो है गोया वो मेहमान थे और आका मेजबान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मुझे वो शेर याद आ रहा है, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। दुनिया में आज तक कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं आई कि जिससे इसके पैदा होने से पहले 1000 साल पहले से उससे मोहब्बत करने वाले, उसका नाम लेने वाले, उसे गिफ्ट देने वाले, उसका गुलाम बनने की तमन्ना रखने वाले लोग हुए हों। अरे नबी पाक से मोहब्बत तो खैर जिब्रील को भी है, हजरत आदम से मोहब्बत का जिक्र चल रहा है, मगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मदीने को अभी नबी पाक नहीं आए, अपना मस्कन बना लेना, उस मदीने को छोड़ कर ना जाना। अल्लाह अकबर, दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं कि जहां 1000 साल पहले से मकीन की आमद से पहले मकान आबाद किया जा रहा हो। यह है मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान। अल्लाह करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और उनकी सच्ची गुलामी अता फरमाए। नबी पाक की शान, मेरी और आपकी औकात भी नहीं, सच्ची बात तो यह है हम ये इज्तिमा करते हैं, महफिल करते हैं, जिक्र करते हैं, चाहे नसर में करें चाहे नात में करें, ये हम अपनी झोलियां भरने के लिए करते हैं। वरफअना लका ज़िक्रक, अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को ऊंचा किया। सैयद आला हजरत लिखते हैं ना, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह करीम ने
अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र को किस शानदार अंदाज में अपने जिक्र के साथ जोड़ा। इसी आयत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक सवाल किया, ऐ जिब्रील इस आयत के बारे में बताओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके जिक्र की बुलंदी यह है कि जब मेरा जिक्र किया जाएगा मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पुकारा जाएगा। इस रिफ़ते जिक्र, जिक्र की बुलंदी की सूरतें तो देखिए। रिफ़ते जिक्र यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना और उनकी इताअत करना मखलूक के लिए लाजिम करार दे दिया है। सुभान अल्लाह। और जरा गौर कीजिए, किसी का अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी वहदानियत पर ईमान ले आना, सारी जिंदगी अल्लाह को सजदे करता रहे मगर दिल की तस्दीक के साथ जब तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए वो इबादत भी बेकार, वो ईमान भी कामिल नहीं। तभी तो आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब जरा कुरान पाक का एक खूबसूरत जायजा पेश करूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र को अपने जिक्र के साथ, अपनी इताअत को अपने हबीब अलैहिस्सलाम की इताअत के साथ कैसा मर्ज किया, किस शान से नबी पाक का जिक्र किया, जरा सुनते जाइएगा ईमान ताजा हो जाएगा। जरा सोचिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 278 एंड 279, आपसे जंग खुदा से जंग है। अब जरा सूरह निसा आयत नंबर 80, आपकी इताअत खुदा की इताअत है। सूरह निसा आयत नंबर 14, आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है। सूरह अनफाल आयत नंबर 13, आपकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है और आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। आगे चलिए सूरह निसा आयत नंबर 100 में अल्लाह फरमाता है आपकी तरफ हिजरत खुदा की तरफ हिजरत है। मजीद आयतों में फरमाया आपसे दोस्ती खुदा से दोस्ती है, आपके बुलाने पर हाजिर होना खुदा के बुलाने पर हाजिर होना है, या अल्फाज़े दीगर आपका बुलावा खुदा का बुलावा है। सूरह अनफाल आयत नंबर 27 में फरमाया आपसे खयानत खुदा से खयानत है। और क्या क्या बयान करूं, सूरह तौबा आयत नंबर 62 में फरमाया आपकी रिजा खुदा की रिजा, आपको राजी करना खुदा को राजी करना है। सूरह तौबा आयत नंबर 24 में फरमाया आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। सूरह तौबा आयत 74, आपका किसी को माल देना गनी करना खुदा का गनी करना है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36, आपका फैसला खुदा का फैसला है, आप पर पेशकदमी खुदा पर पेशकदमी है। सूरह हशर आयत नंबर 8, आपकी मदद खुदा की मदद है। अरे सोचो तो सही, अल्लाह ने अपने हबीब की शान को कुरान में कैसे बयान किया, फिर क्यों ना सैयदी आला हजरत लिखें कि बखुदा खुदा का यही है दर। ऐसे ही नहीं लिखा सैयदी आला हजरत ने, ये रब ने कुरान में बयान फरमाया ना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। एक और जगह लिखते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, आका मैं क्यों ना आपको मालिक कहूं। अल्लाह करीम ने क्या शान आपकी कुरान में बयान की, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अरे हम और आप क्या जिक्र करें, हमारी औकात क्या है। ये खुदा की कसम ही अल्लाह की मेहरबानी मुझ पर और आप पर है कि उसने मेरी जबान को, आपके कानों को, हमारे औकात को यह मौका दिया कि हम अल्लाह के हबीब की शान बयान कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बहुत सारी बातें कुरान के जरिए भी सीखने को मिल रही हैं। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र जरा सुनिए, क्या कहां कहां अल्लाह ने बुलंद फरमाया। जिक्र मुस्तफा की रिफ़अत की बात हो रही है, कैसे ये उमूर दलालत करते हैं कि आपका जिक्र जमीन पर भी है, आपका जिक्र आसमानों पर भी है, आपका जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, जिन्नात और दीगर मखलूकात भी करते हैं, आपका जिक्र पत्थरों ने भी किया, आपका जिक्र दरख्तों ने भी किया, आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, ये जो टाइमिंग डिफरेंस है ना, दुनिया में इस वक्त कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है, अल्लाह की हिकमतें अल्लाह जानता है। लेकिन अगर इसको इश्क की टाइमिंग्स के हिसाब से देखो ना, दुनिया में सबसे पहली फजर की अजान
फिजी आइलैंड में और उसके आगे जजीरों पर होती है। अल्लाह की रहमत से मुझे दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में वहां जाने का मौका मिला, तो वहां दुनिया में सबसे पहली अजान होती है, फजर की अजान हुई, जहां अल्लाह का नाम लिया मौजिन ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मौजिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का जिक्र बुलंद हुआ, साथ उसके हबीब का जिक्र बुलंद हुआ। अभी कुछ मिनट गुजरे तो जनाब अब ऑस्ट्रेलिया में अजान शुरू हो गई। अब जनाब आगे चलते जाए तो फार ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में नमाज का वक्त शुरू हुआ। ये टाइमिंग एक एक दो दो तीन तीन मिनट का आपने देखा होगा। कराची से हैदराबाद का फर्क, हैदराबाद से मीरपुर खास, फिर सखर, आगे जाएं पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा। हर लम्हे, हर सेकंड, हर मिनट दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही है। वो फजर की अजान चलते चलते अभी पाकिस्तान नहीं पहुंची, वहां जोहर की अजान का वक्त हो गया। वो जोहर की अजान आगे बढ़ी तो असर का वक्त हो गया। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद करने का वो इंतजाम किया। कौन सा लम्हा है जब नबी पाक का जिक्र इस दुनिया में बुलंद नहीं हो रहा। वरफअना लका ज़िक्रक, कैसा रब ने जिक्र बुलंद किया। अरे ये तो सिर्फ अजान की बात है, मुझे बताओ कुरान कहां नहीं पढ़ा जाता। हर वक्त दुनिया में लाखों लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं। मैंने आपको कुरान की आयतें ही तो सुनाई हैं। जगह जगह रब ने नबी की शान बयान की है। कहीं यासीन कहा है, कहीं ताहा कहा है, कहीं रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, कहीं बशीर और नजीर कहा है। तो गोया अल्लाह ताला ने तिलावत कुरान के जरिए अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया। और आगे चले दुरूद पाक, सुभान अल्लाह, लाखों जबाने हर वक्त तर हैं, अल्लाह अकबर, हर तरफ नबी पाक का जिक्र खैर। रब ने कैसा बुलंद किया, सुबह कयामत तक का यह इंतजाम है। और ये तो इंसान कर रहे हैं, फरिश्ते अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी। ये लफ्ज युसल्लून क्या बता रहा है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। उलमा बैठे हैं, युसल्लून का जो लफ्ज है, जो अरबिक ग्रामर जानते हैं, वो जानते हैं कि ये लफ्ज कंटिन्यू वर्ब पर, मुसलसल किसी काम पर दलालत करता है। हजरत आदम को फरिश्तों ने यकीनन सजदा किया था, मगर वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार सजदा हुआ। आओ मैं बताता हूं आदम के आका की शान क्या है, कि मुसलसल अल्लाह के फरिश्ते और खुद रब अज़्ज़ वजल अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाह दुरूद भेजता कैसे है, अपनी रहमत नाजिल करता है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे आका और मौला पर रहमतें नाजिल फरमा। तो ये शान मेरे रब ने अपने हबीब की बुलंद की। और क्या खूबसूरत बात आला हजरत कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये शान मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम की है। मैं आपको तकरीबन 1450 साल पहले की एक ओपन हार्ट सर्जरी बताता हूं। और एक नहीं हुई, दो नहीं हुई, चार बार हुई। और ये मौजजा है मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम का, जिसको शक के सदर कहा जाता है। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम के सीना अकदस को खोला गया, चीरा गया और दिले अनवर को बाहर निकाला गया, मजीद नूर की बारिश की गई और वापस जब सीना अकदस को सिया गया, ना कोई तकलीफ थी। आला हजरत कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले। आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हुजूर आपका दिल तो नूरानी है, अब इधर भी निगाह फरमा दें। एक और जगह आला हजरत लिखते हैं ना, एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, आका हमारे दिल की क्या हैसियत है, उसकी औकात ही कुछ नहीं है। आप तो वो हैं जब चलते हैं तो इशारा फरमाएं तो मुर्दे जिंदा कर देते हैं। हुजूर इस मुर्दा दिल पर भी निगाह फरमा दें, इसे भी जिंदा कर दीजिए। एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तो बहरहाल अब जो मैसेज है, जो समझने वाली बात है, कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। आप अपने दिल पर गौर करें, हमारा दिल साफ है, हमारा दिल बुराइयों से पाक है। आजकल बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है हार्ट डिजीजेस को, लोग डिस्कस करते हैं, जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, यार कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर प्रॉपर रहना चाहिए, शुगर का मामला सीधा रखना वरना हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हार्ट प्रॉब्लम क्या कर लेगी, एंड ऑफ द डे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अल्लाह ना करे हार्ट फेल हो जाए, तो इंसान मर जाता है। ठीक है, इलाज करना चाहिए, अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये जो बीमारी मैं बताने जा रहा हूं ना, दिल की कुछ बीमारियां अक्सर लोगों में पाई जाती हैं, ना जिसके बारे में किसी को मालूम है, ना तो कोई डायग्नोस करने के लिए तैयार है, ना कोई इलाज ढूंढता है। हालांकि ये वो बीमारियां हैं कि दिल में आ जाए
तो इंसान जो है वो ईमान से हाथ धो बैठता है। मैं सिर्फ दो बीमारियों का जिक्र करता हूं चूंकि वक्त कम है, वरना ये पूरी डिटेल है किताबों में कि इंसान वो बीमारियों के बारे में जाने, उसका इलाज करे, उससे बचाए अपने आप को, वरना आमाल भी बर्बाद हो जाते हैं, ईमान भी बर्बाद हो सकता है। एक बीमारी वो है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। इसको कहते हैं नेगेटिव अप्रोच। बदगुमानी क्या है? हमेशा गलत सोचना किसी के बारे में। अच्छी बात भी करे कहते नहीं यार इसकी नीयत ये थी, इसका हाल ये है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं यार हम तो बदगुमानी नहीं करते। अपने बारे में सोचिए जरा। हम किसी को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाया उसने, हमें जरूरी काम था, ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल ही कुछ लोगों को ये आता है यार बड़ा आदमी हो गया है, पहले तो रोज फोन करता था, आज टाइम ही नहीं, मेरा नंबर देख के नहीं उठाया है, पैसे देने थे ना अब कहाँ देगा, पैसे लेने थे तो रोज करता था फोन। अभी भाई वो हो सकता है आराम कर रहा हो, वो मस्जिद में हो, वो खाना खा रहा हो, वॉशरूम में हो, वो कुछ भी कर रहा है, हमने गुनाह का मीटर शुरू कर दिया। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर शादियां हैं, महफिल हैं। अब मिसाल देता हूं इसी महफिल की, किसी को इस महफिल में बड़ी मोहब्बत से साहिब खाना ने बुलाया, वो नहीं आया। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, हाँ यार फंक्शन होता ना फिर आ जाता, अल्लाह रसूल के नाम की महफिल में किधर आएगा। अरे अल्लाह के बंदो, उसका महफिल में आना वाजिब तो था नहीं, लेकिन वो हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से ना आया। आपने बदगुमानी करके अपने नामा आमाल में हराम लिखवा लिया, और ये एक मिसाल है। वरना या तो भाई को भाई से बदगुमानी, बहन को बहन से बदगुमानी, सास को बहू से बदगुमानी, बहू को सास से बदगुमानी, शोहर बीवी बदगुमान है, घर में बेचारी कोई बहू नेक बन जाए तो उसने मदनी चैनल ही देख लिया, कोई वजीफा हाथ में ले आ गया, तस्बीह पहन के पढ़ के दुरूद पढ़ रही है तो सास कैसी लगता है मेरे लिए कोई वजीफा लेकर आई, मेरे लिए लगता है पढ़ पढ़ के फूक रही है, मेरा बेटा अपना बना लेगी, वो अल्लाह रसूल का जिक्र करके जन्नत कमा रही है और तुम बदगुमानी करके अपने नामा अमाल में गुनाह लिखवा रहे हैं। यानी ये मैं मिसाल दे रहा हूं, कारोबारी लोग होते हैं। अब नॉर्मली दुकानें करीब करीब होती हैं, मार्केट एक होता है, अच्छा खासा बेचारा एक दुकानदार नमाजी भी है, सर पे टोपी भी लगाता है, दुकान पे कुछ कुरान भी पढ़ता है, हाँ ये लगता है वजीफा इसीलिए कर रहा है मेरी दुकान बंद हो जाए इसकी दुकान चल जाए, वो कुरान पढ़ के जन्नत कमा रहा है, तुम बदगुमानी करके गुनाह कमा रहे हो। अच्छा बदगुमानी के साथ ही एक और बीमारी है, वो भी बड़ी डेंजरस है, ये दोनों तकरीबन साथ साथ ही हो जाती है, ठीक है, और वो बीमारी है हसद। सारे अमाल को आग लगाने वाला काम जो है ना वो हसद है। अब गौर करें कि हमारा हाल क्या है, कोई बंदा रोजे भी रख रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, सदका खैरात भी करे और जनाब हसद भी करे और फिर अपने अमाल को खुद ही आग लगा दे, तो बताइए फिर क्या किया उसने। लेकिन आज कौन है जो हसद से फारिग है? ऐसा लगता है कि दोस्तों में भी हसद होता है, अच्छा बैठे के भी साथ, खाना पीना भी साथ खाया है, ऐसे मुस्कुरा के मिल रहे होंगे, लेकिन कोई बताए ना यार पता चला उसने नई गाड़ी ली है, हाँ जनाब सूद के पैसों से ली है, अल्लाह ने उसको गाड़ी दी तुम्हें टेंशन शुरू हो गई। किसी को तरक्की मिले, साथ नौकरी करने वाले किसी की तनख्वाह बढ़ जाए, सेठ की चापलूसी करता ना इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़ी। हसद बहुत बुरी बला है। अच्छा ये हसद और बदगुमानी जिसके भी दिल में है ना, उसने अपना सुकून तो खत्म कर दिया, वो बेसुकून रहता है। हमें लोग मिलते हैं कहते हैं यार नींद नहीं आती, मैं बहुत सोचता रहता हूँ, रात भर सोचता रहता हूँ। जिसको भी नींद नहीं आती ना, जिसको भी सुकून कम हो गया है, जिसका दिमाग बस चलता ही रहता है, वो चेक कर ले, उमूमन ऐसा होता है उसको किसी से हसद हो गया है या किसी के साथ बदगुमानी उसने दिल में पाल ली। अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं ना, रिलैक्स रहना चाहते हैं, लोगों की तरक्की में खुश होना सीख जाए, कोई कहे ना यार उसको इज्जत मिल गई, अल्लाह उसे और इज्जत दे, यार वो बड़ा पैसे वाला हो गया, अल्लाह उसे और बरकत दे। अभी शोहरत से हसद हो जाती है, यार मेरे मोहल्ले में इसको कोई नहीं जानता था, आज सारी दुनिया में मशहूर हो गया, अल्लाह दे रहा है उसे इज्जत, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हसद करने वाला दुनिया में भी जलता है और फिर अल्लाह ना करे रब नाराज रहा तो आखिरत में भी जलेगा। तो आए मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, आज हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे मुनव्वर के बारे में सुना है। पहले तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और दुआएं नबी पाक ने भी अता फरमाई कि अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे दिल को सुथरा कर दे, इन तमाम बुरी बीमारियों से हमें बचा ले। अल्लाह से दुआ करते रहा करो, क्योंकि जिस दिल में हसद है ना, जिस दिल में तकब्बुर है, जिस दिल में इस तरह के बुग्ज़ और कीना और इस तरह की बुराइयां है ना, बताओ फिर उस दिल में इश्क मुस्तफा कैसे आएगा, वो सीना मदीना कैसे बनेगा? अगर अपने दिल को यादगार मदीना बनाना है, दुआ करते हैं ना, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, तो दिल को साफ भी तो करें ना, तो दुआ भी करें और अपने अपने आप को चेक करें।
कि हमें किसी से अगर हसद हो गया है, किसी के बारे में बदगुमानी है, तो उसको दूर करें, वरना उसका कुछ नहीं जाना, जाना आपका ही है। अमाल आप ही के बर्बाद होने हैं। अल्लाह मुझे भी साफ दिल अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए, कल्बे सलीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाई जाती हैं। ऐसे बयानात अगर आप मजीद सुनना चाहते हैं तो मदनी चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल की इस्लाह करम से कर दे।